काफी लेट तक सो रहे हैं। इतने अच्छे लग रहे हैं सोते हुए, मुझे तो मन भी नहीं कर रहा है इन्हें उठाने का। कितने बजे आए थे ये, मुझे तो पता भी नहीं है, मैं तो पता नहीं कब सोई। कितने स्ट्रेस में रहते हैं ये, नींद में भी मुंह बना के रखा हुआ है। जरूर किसी को सपने में डांट रहे होंगे। ऑलवेज गुस्सा। सॉरी सॉरी सॉरी, आप सोचो सोचो, लेट आए थे ना कल, आपके ऑफिस फोन करती हूँ, ठीक है? आज आप मत जाओ, छुट्टी ले लो, आप सो जाओ। रमेश नहीं रहेगा तो उसको बोलना ऑफिस आ जाए, मेरा इंतजार नहीं करे। रमन आप अभी ऑफिस, नाश्ता तो क्या है ये, पूरी दुनिया का बोझ रमन ने अपने सर पे उठा रखा है, ये कोई बात होती है? ये तो इस सारिका और रूमी के मामले में ना रमन इतने ज्यादा परेशान हो गए। आई जस्ट होप मणि बात करे जल्दी से जल्दी सारिका से, ये मामला खत्म हो जाए। ऐसे तो नहीं देख सकती मैं रमन को। पानी? अब पानी किलो इसी से गिर रहा था क्या पानी रात भर? इसीलिए तो रमन बेचारे स्ट्रेस्ड आउट होंगे, रात भर सो ही नहीं पाए होंगे बेचारे। पानी कैसे गिर रहा है इससे? मैं काम करके मैकेनिक को बुलाती हूँ, मेरी क्लिनिक जाने से पहले ठीक कर देगा इसे। भाई आपकी आंखें सूजी हुई हैं। डोंट टेल मी आप रात भर ऑफिस का काम कर रहे थे। कुछ नहीं, तू आ यार प्लीज, ये फिंगर्स एक बार चेक कर ले प्लीज। ओके ऑलराइट सी। ओ ये मथुरा वाला? आप मीर? नहीं वो, हाँ फिगर्स एक बार चेक। लुक फाइन टू मी भाई, आपने कुछ चेंजेस किए हैं? मीर वो फाइनल डेट कल ही है ना सबमिशन की? हाँ भाई कल। ओके मीर एक प्रॉब्लम है। कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, सॉल्व फाइन। नो नो नो, मेरी एक मेरे एक दोस्त की प्रॉब्लम है। लुक आई विल टेल यू, दोस्त है मेरा, I don't know how to put it, क्या है पिछले कुछ दिनों से उसकी फैमिली में बहुत टंटे चल रहे हैं। अब उसको और उसकी वाइफ को लेके पता नहीं क्यों, लेकिन सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो रहे हैं कि उसे ऐसा लग रहा है कि उसकी बीवी उससे झूठ बोल रही है। She started lying to him और he suspects कि उसका अफेयर चल रहा है। I didn't know what to do, क्या बोलूं उससे? नीरो भाई कि आजकल कितना हो रहा है भाई, दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आपकी दोस्त की शादी टूट रही है, कल मैं अपने एक दोस्त से बात कर रहा था, ही वाज आल्सो टेलिंग मी कि उसकी शादी में प्रॉब्लम चल रही है। आई मीन व्हाई इज दिस हैपनिंग, छोटे शहर में बड़े शहर में सब जगह मैरिजेस में प्रॉब्लम क्यों हो रही है? आई मीन स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो वीर लुक, डोंट गेट मी रॉन्ग, स्टैटिस्टिक्स पे लेक्चर नहीं चाहिए मुझे, आई जस्ट वांट टू नो कि मैं उससे क्या कहूं। या तो उसे मैं कह दूं कि सारी औरतें जैसी होती हैं। Come on भाई, आप ऐसा नहीं कह सकते। सारी औरतें एक जैसे कैसे हो सकती हैं? It's like saying कि सारे मर्द एक जैसे होते हैं। नहीं होते ना। सी भाई, आपको ना अपने दोस्त को अपनी मिसाल देनी चाहिए। एक तरफ शगुन जिसने आपका दिल तोड़ा, आपके दिल में इतनी कड़वाहट भरी, और एक तरफ इशिता भाभी जिन्होंने आपके दिल से सारी कड़वाहट निकाली, जिन्होंने सब कुछ बदल दिया। आप कितने चेंज हो गए, you know that? और इशिता भाभी कितना कुछ करती हैं सबके लिए, आपके परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए, मेरे लिए, मीका के लिए, आपके लिए, और खासकर रोही के लिए। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सही मायने में
इश्ता भाभी रोही की असली मां है। आपको पता है भाई, शगुन मेरी अपनी सगी बहन है, लेकिन जब वो आपको छोड़ के चली गई थी ना, तो मेरा खुद का भरोसा औरतों से पे उठ गया था। लेकिन भाभी ऐसी नहीं है, वो आपका दिल कभी नहीं तोड़ेंगी। कितना प्यार करती हैं आपसे, कितना कुछ करती हैं। आपको ना अपने दोस्त को शगुन का एग्जाम्पल देना चाहिए और उसके बाद इश्ता भाभी से मिलवाना चाहिए। उसको समझाना कि हीरे और कांच के टुकड़ों में बहुत फर्क होता है। हर औरत शगुन जैसी नहीं होती। असली पत्नी और असली औरत तो इश्ता भाभी जैसी होती है। सच अ लकी मैन भाई, आपका जो दोस्त है ना, उसको मिलाना इश्ता भाभी से, समझ जाएगा। और कभी कभी पता क्या होता है, मर्द लोग ना अपने मन में शक लेके बैठ जाते हैं, और बेबुनियाद का शक। When all we need to do is talk it out and all will be fine. We just need to clear the air with each other. सबको समझ में आ जाएगा। हम बात ही नहीं करते एक दूसरे से, इससे शक बढ़ते रहता है and it becomes even more serious. You're right. अगर वो मेरे दोस्त बात कर ले अपनी वाइफ से, सॉल्व सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। भाई मर्द क्या करते हैं, कुछ देखते हैं या कुछ भी परसीव करते हैं ना, जबकि बात नहीं करते। बात नहीं करते, यही तो कहने की कोशिश है। हमें बात करनी चाहिए। सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है कि हम अज्यूम करते हैं हम बात नहीं करते, तो बात करनी चाहिए। आई एम श्योर सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। सिंपल। ओए चलो दोनों बाहर आ जाओ, कब से अंदर हो, छेती नाश्ता कर लो आके। आंटी जी भूख तो बड़ी जबरदस्त लगी है। भाई भूख लगी है, काम साथ में करूं? हां चल जा। ऑलराइट अगर मैं इश्ता से बात कर लूं, अपने सारे डाउट्स क्लियर कर लूं, तो ना मुझे स्ट्रेस होगा और ना ही मुझे उस पर शक होगा। बात क्यों नहीं करते हम लोग? We should talk and I will talk. What an idiot. आज पूछती हूँ, इसके तकिए पर फिर इसके आंसुओं की नमी क्यों नजर आने लगी? रमन, बड़ी मेहनत करता है मेरा बच्चा। इधर आ, आप आके पास बैठ। आप उतर। इशिता बता रही थी रात को तो बड़ी देर से घर आया था, है? परेशान लग रहा है। रमन की गल है पुत्र, कोई परेशानी? नहीं। मां रोही नहीं दिख रही नीचे कहीं? हाँ पुत्र, वो बड़ी क्लासें उसने ले ली है, कभी कराटे की क्लास थे, कभी वो की कुछ ताइक्वांडो की। हाँ वो उधर ही गई है, इशिता के लेके गई है। वो मैं भूल गया, इशिता ने कहा था पिकअप करने के लिए, मैं ले आता हूँ। ये पकड़ी आप। ओए, तू अभी इतना थका हुआ घर आया, आ जाएगी ना वो दोनों? मैं ले आता हूँ। अच्छा, तुझे एड्रेस पता है? हाँ, इंटरनेशनल फेस टू, मैं जानता हूँ। माता रानी, मेरे बच्चे की मुस्कुराहट लौटा दे। पता नहीं कौन सी टेंशन ढूंढ पाल ली है इसने, शायद इसे रोमी की फिक्र है, पर मुझे दिखा नहीं रहा। और फिकर तो है इसे रोमी की।